हेलो दोस्तों, आज फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवास्टर एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले म्यूट कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपके वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो आपको देखना है वीडियो आपने शूट स्टार्ट कहाँ से किए हैं। देख सकते हो यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाता है। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हिट कर देना है। वीडियो को मैं प्ले करता हूँ तो सिंपल आपको कुछ इस तरह से चलकर आना है कैमरा के सामने और यहाँ पे आपको छाता को खोलना है, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पे हमारा बस इतना ही पार्ट चाहिए। इसके बाद अगेन आई एक तरफ ले करता हूँ और जो छाता है आपको खोलते समय कुछ इस तरह से खोलना है और आपको कैमरा के सामने आपको करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा खोलना छाता और कुछ इस तरह से कैमरा के ऊपर की तरफ से आपको एडजस्ट कर देना, ऊपर की तरफ से आपको करना है। तो आपको ध्यान देना, जैसे देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, इस पोजीशन में आना है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे। तो अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो सिंपल आपको करना है कि आप कुछ इस तरह से आपको चल कर आना है, आपके हाथ में एक छाता होना चाहिए और कुछ इस तरह से खोलना है और छाता को कुछ इस तरह से आपको ऊपर की तरफ करना है। जैसे कि इस पोजिशन में जैसे ही हम आते हैं तो हमारा कलर चेंज हो जाता है, इसके बाद अगेन आगे की तरफ आते हैं और यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। स्पीड वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है और लास्ट का पार्ट इसे आपको स्लो मोशन करना है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है और आपको यहाँ पे 0.5 कर देना है और ये वीडियो आपका लास्ट का जो वीडियो होगा वो स्लो मोशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका वीडियो जो कुछ इस तरह से स्लो मोशन हो चुका है। तो आपको जितने भी पार्ट चाहिए नेक्स्ट का वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैं यहाँ पे 16 सेकंड का वीडियो रहने देता हूँ। इसके बाद सिंपल क्या करना, कुछ इस तरह से हमने आए जैसे कि छाता हो कुछ इस तरह से किया, इस पोजीशन में आना, आपको कलर चेंज हो जाना चाहिए स्काई का। ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरह से मैंने किया, इस पोजीशन में आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्काई कलर का एक लिंक दे चुका हूँ या फिर डायरेक्ट गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको जूम कर लेना है, फुल स्क्रीन में आपको कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे जूम कर लिया हूँ और कुछ इस तरह से हल्का और जूम कर लेता हूँ तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मैं एडजस्ट करता हूँ। इसके बाद क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, सिंपल ओवरले पे क्लिक करता हूँ, मल्टीप्ले पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे मल्टीप्ले सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस इमेज को आपको फुल साइज कर देना है। अब वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो जैसे कि दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो चुका है और लास्ट में देख सकते हैं हमारा स्लो मोशन भी हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा वीडियो तो यहाँ पे एडिट हो चुका है, इसमें हमें साउंड ऐड करना है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है या फिर डायरेक्ट टिकटॉक पर उसी साउंड पर वीडियो को अपलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।